Hello, dear students. Good morning to all. Welcome to My Academy. My Academy में आपका स्वागत है. आज का टॉपिक आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म What is the meaning of isomerism? How it is defined? इसका अर्थ क्या है? ये कैसे परिभाषित होता है? नॉर्मली स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि इसका डिफिनेशन दो, तो बच्चे कहते हैं वैसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो उसे आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेनन को, इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं. बड़ी अच्छी बात. स्टूडेंट ने कहा तो सर ठीक तो है, गलत इसमें क्या है? बेटे इसमें गलत है, और गलत यह है कि आपने जो कहा वो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है. आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टील. स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है. आपने क्या कहा था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. तो आपने जो कहा था वो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है. तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन देखें और फिर आगे बात करें. द फेनोमेनन In which compounds containing different properties. In bracket, either chemical or physical or chemical and physical both or different characteristics. मतलब प्रॉपर्टी डिफरेंट या कोई कैरेक्टर डिफरेंट. प्रॉपर्टी में सिर्फ केमिकल डिफरेंट हो या फिजिकल डिफरेंट हो या केमिकल फिजिकल दोनों डिफरेंट हो या कोई कैरेक्टर डिफरेंट. Is expressed by same molecular formula. लेकिन molecular formula क्या हो बेटा? Same हो. ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. डिफरेंट क्या हो? तो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स. या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में क्या? केमिकल या फिजिकल या दो. इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. द कंपाउंड्स और कंपाउंड. ध्यान रहे, कंपाउंड्स और कंपाउंड.
कंपाउंड के साथ कंटेनिंग डिफरेंट स्पेशियल मतलब स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट्स डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। जी हां बेटे ये जो है कंपाउंड्स, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो एक ही कंपाउंड में डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के फॉर्म्स होंगे। तो ये डेफिनेशन पूरे आइसोमेरिज्म को एक साथ डिफाइन करता है। तो बेटा ये रहा आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों आ गया। अब मैं आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करने के बाद एक एक करके आइसोमेरिज्म के सारे पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और डिस्कस करूंगा। नाउ सी हाउ आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड। आइसोमेरिज्म कैसे क्लासिफाई होता है देखते हैं। हाउ आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। नंबर वन फर्स्ट पार्ट इसका है क्लासिफिकेशन में, पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और सेकंड पार्ट है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसको स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने भागों में आप बांट सकते हो? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग पार्ट्स। चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ इज मेटामेरिज्म, फोर्थ इज मेटामेरिज्म, एंड फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म, और पांचवा आपका टॉटोमेरिज्म। जी हाँ, रही बात इसकी, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कितने भागों में बांट सकते? तो बेटे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में आप बांट सकते। पार्ट वन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म,
और बेटे इसका पार्ट टू है कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन पार्ट टू है बेटे इसका कन्फॉर्मेशन। और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर दो भागों में आप डिवाइड कर सकते और ये दो भाग क्या क्या हैं? एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरेज। बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरेज ये पार्ट 11th में है, ये पार्ट भी 11th में है, लेकिन ये और ये पार्ट, बल्कि ये पार्ट भी 11th में ही है, ये पार्ट लग। तो जब इसको छोड़कर बाकी सारे 11th में ही हैं, अब इसकी जरूरत अल्कीन में पड़ जाता है, तो इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो क्यों इसे छोड़ा जाए? आइसोमेरिज्म मैं एक साथ पूरा डिस्कस करूंगा, पूरा आइसोमेरिज्म, जिसमें आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हो जाए। तो बेटे लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, तो बेटा शुरू में जो बात की गई थी कि आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो तो फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। नहीं, फेनोमेनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जी हां, स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल, कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज द हेडिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन? द फेनोमेनन in which compounds containing different properties, the phenomenon in which compounds containing different properties either physical or chemical and physical both as well as different structures but containing same molecular formula, is called as
इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज called as structural isomers. Compounds are called as structural isomers. बेटे आपने देखा, this is the definition of structural isomerism. क्या हो आप चाहो तो सिर्फ यह भी लिख सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर ऐसा हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और कंस्टिट्यूशनल आइसोमर, और फेनोमेनन को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे. अब इसके बाद मैंने कहा था कि इसके पार्ट्स हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और एक और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. उस लिस्ट में आप एक और ऐड कर दो, शायद वहां मैंने लिस्ट में नाम नहीं दिया था. स्ट्रक्चरल के पार्ट्स जो हैं कौन कौन से, पहला चेन आइसोमेरिज्म, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, वहां पर शायद एक छूट गया था, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म. चलो डेफिनेशन के बाद फिर से मैं इसे क्लासिफाई कर दूं. एक वहां छूट गया था प्रोबेबली, देखो क्या छूटा था. चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये पार्ट्स हैं इसके. तीसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म. चौथा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये वहां छूट गया था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, पांच नंबर मेटामेरिज्म, और छह नंबर बेटा है टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म तो वन बाय वन हम लोग सभी को पढ़ेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म. वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा इन सबको, ध्यान से देखना आप. मिटा रहा हूं इसे. देखो भाई क्या है और कैसे, सबसे पहले मैं चेन आइसोमेरिज्म जिसका दूसरा नाम स्केलेटन आइसोमेरिज्म,
तीसरा नाम चेन आइसोमेरेज, स्केलेटन आइसोमेरेज, तीसरा नाम क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर आइसोमेरेज, न्यूक्लियर आइसोमेरेज। इतने सारे नामों से इसे जाना जाता है। बेटा इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है, एनसी, एनसी मीन्स नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। इसके दो नेसेसरी कंडीशंस है। नंबर वन है, नंबर वन है एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, एटम्स आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। एंड दूसरा है बेटे एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन आइसोमर्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ मेन चेन in chain isomers must be different। निश्चित रूप से चेन आइसोमर्स में मेन चेन के कार्बन की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए, तभी चेन आइसोमर। अब बेटा ये दो कंडीशन जरूर होना चाहिए, कम से कम 4 कार्बन हो चेन में। और दूसरी बात ये कि मेन चेन में कार्बन की संख्या डिफरेंट हो तो उसमें रिलेशन चेन आइसोमर का होगा। एग्जाम्पल देखते एग्जाम्पल देखते ये देखो बेटा, एग्जाम्पल वन C4H10 कितने आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स 1, 2, 3, 4, ये 4 कार्बन और इसको ब्रांचिंग करते हैं, इसको कहते हैं एनब्यूटेन और इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन, एनब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। हाइड्रोजन फिल कर दो CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH3। देखो आइसो वर्ड कब लगाते हो आप, आइसो वर्ड तब लगाते हो जब एक 3 डिग्री कार्बन हो उससे 2 मिथाइल ग्रुप, उससे मिथाइल ग्रुप 2 हो और इधर स्ट्रेट चेन हो, एससी मतलब स्ट्रेट चेन। अब उस स्ट्रेट चेन में कार्बन की संख्या 1 हो या 1 से अधिक तभी हम आइसो लगाते हैं, और स्ट्रेट चेन हो कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं हो तो उसे एन मीन्स नॉर्मल। फिर देखो आप नेक्स्ट है C5H12, इसमें कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, फिर क्या 4, यहां कार्बन रख दो, यहां रखो चाहे यहां रखो बात बराबर। फिर देखो 1, 2, 3 कार्बन, एक ऊपर रख दो एक नीचे रख दो। बेटा इसको कहते हैं एन पेंटेन, हाइड्रोजन आप खुद से फिल कर सकते हो, इसे कहते हैं आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन।
बेटा इसे कहते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब मैं बताऊं, नियो बॉन्ड आप तब यूज कर सकते हो जब एक 4 डिग्री कार्बन हो। उस 4 डिग्री कार्बन से 3-methyl ग्रुप अटैच्ड, ध्यान रहे, उस 4 डिग्री कार्बन से 3-methyl ग्रुप अटैच्ड और एक स्टेट चेन हो, उस स्टेट चेन में कार्बन की संख्या एक हो या एक से अधिक, तो इस तरह के कंपाउंड को नियो के साथ लिखा जाता है। आइसो में देखो, फिर ये कंडीशन फुलफिल हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो, उससे 2-methyl हो और एक स्टेट चेन हो। मैंने क्या कहा था, स्टेट चेन में कार्बन की संख्या एक हो या एक से अधिक, तो उस तरह के कंपाउंड को आइसो कहते हैं। आई थिंक सो, आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ और एग्जांपल आएंगे जिसके थ्रू फिर देखेंगे कि किसको आइसो कहेंगे और किसको नियो कहेंगे। नॉर्मल में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, स्टेट चेन है तो नॉर्मल, मतलब एनपेंटेन। तो बेटा अब मैं बताऊं, चेन आइसोमर की बात में मैंने नेसेसरी कंडीशन में कहा था कम से कम 4 कार्बन। देखो 4 कार्बन है, इससे कम में अगर आप चाहो 3 कार्बन में तो आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो सकता। मैंने दूसरा कहा था कि मेन चेन में कार्बन की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, इसमें मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 है और इसके मेन चेन में कार्बन की संख्या है 3, और इस तरह से आप देखो कि मेन चेन में कार्बन डिफरेंट है, तो इसमें रिलेशन चेन आइसोमर का है, CI का। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, या स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कह सकते। अब यहां पर देखो, कार्बन की संख्या इसमें कितनी, 5 मेन चेन में, इसमें कार्बन की संख्या मेन चेन में कितनी, 4, इसमें कार्बन की संख्या मेन चेन में कितनी, 3। तो मेन चेन में सब में कार्बन की संख्या क्या है, डिफरेंट है, तो इन तीनों में एक दूसरे के साथ रिलेशन CI का है, मतलब चेन आइसोमर्स। CI से मतलब आप समझो, CI मैं यूज कर रहा हूं चेन आइसोमर्स के लिए, तो इसमें रिलेशन क्या है, चेन आइसोमर्स। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो चेन आइसोमर्स। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर आइसोमर्स बनाते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक ले लो क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल, पॉसिबल बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 इज, ऑप्शंस, ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6, क्या होगा आंसर, आप सोचो। क्या होगा, कितने आइसोमर होंगे, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, फर्स्ट में 2 था, सेकेंड में 3 था, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान देना, इसमें क्या होगा, आप बना के देखो, क्या तरीका है बना के देखने का। पहले 6 कार्बन ले लिया, फिर कार्बन लिया 5 और एक कार्बन जो आपके हाथ में है उसको डिफरेंट पोजीशन पर लगा के आपने देखा कि उसे कहां लगाया जाए, कि IPC नेम डिफरेंट हो। यहां लगाएंगे तो IPC नेम 2-methyl pentane होगा,
यहां लगाओगे तो आईपीसीएन 3 मिथाइल पेंटेन होगा, लेकिन यहां पर फिर वही 2 मिथाइल हो जाएगा। मतलब 5 कार्बन मेन चेन रखते हुए आपको ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मेन चेन में एक एक करके कार्बन की संख्या घटाते चलो। फिर देखो 4 कार्बन आपने लिया, किसी दो पोजीशन पर 2 कार्बन आपके पास है, आप सोचो कि कहां कहां रख सकते हो। एक और बात, जहां भी रखो लेकिन रखने के बाद मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। मेन चेन में 4 ही कार्बन हो और बाकी जो 2 कार्बन आपके हाथ में है जहां चाहो आप अरेंज कर लो। आप यहां करोगे तब भी 4 ही रहा, यहां करोगे तब भी 4 ही रहा, 4 से अधिक नहीं बढ़ा। अगर यहां 2 लगातार कर देते तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाता, तो वो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। एक अरेंजमेंट ये हो गया, 4 कार्बन में कोई और अरेंजमेंट सोचो। किसी एक कार्बन पर ऊपर और नीचे 2 कार्बन रखते, किसी एक कार्बन पर 2 रखते, तो ये 2-2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये 2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, आईपीसी नेम शुड बी डिफरेंट। अब एक यहां पर इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताऊंगा। पहले तो हम लोग देख ले कि स्ट्रक्चरल आइसोमर की संख्या हो गई 5। कॉमन नेम की बात कर ले, इसका नाम एन पेंटेन, इसका नाम एन पेंटेन, इसका नाम आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। क्या मैंने साथ रखा था 2 मिथाइल ग्रुप, ये रहा स्ट्रेट चेन और 1 3° कार्बन। अगर इस शर्त को कोई पूरा कर रहा, अगर इस शर्त को कोई पूरा कर रहा तो निश्चित रूप से ये चेन आइसोमर। अब मैं बात बताऊं आगे, ध्यान देना इसकी बात, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, इसकी बात इसका भी कोई कॉमन नेम नहीं होगा, लेकिन ये 4° कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप, इस 4° से 3 मिथाइल ग्रुप और स्ट्रेट चेन। हां बेटे, इसको नियोहेक्सेन कहेंगे, मतलब 3 कंपाउंड का कॉमन नेम हो सकता है, बाकी का कॉमन नेम नहीं हो सकता है, सिर्फ आईपीसी नेम हो सकता है। आई थिंक सो, इतने एग्जाम्पल के बाद निश्चित रूप से आपने सीख लिया कि किस तरह से आपका ये नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाला आपने, स्ट्रक्चरल आइसोमर की संख्या हो गई एसआई से मेरा मतलब है स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसकी संख्या 5। आंसर 5। इस कंपाउंड को नाम दो फर्स्ट, इसको नाम दो फर्स्ट, इसको नाम दो सेकंड, इसको नाम दो थर्ड, इसे मान लो फोर्थ और इसे मान लो फिफ्थ। मैं अभी इसे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें मुझे और भी कुछ बातें डिस्कस करनी है। अब बेटे एक फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना, सीखना और समझना। फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू 2 to the power n minus 4 प्लस वन। अब देखो,
अगर कार्बन की संख्या 6 है C6H14 में, तो ये फॉर्मूला अगर लागू करो तो 6 - 4 2 और +1 कितना 5 5 5 समर्थ। अब पीछे देखो, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो 5 - 4 मतलब 2 का पावर 1 + 1 3। तो C5 के आइसोमर्स कितने थे? C5 के आइसोमर 3 थे। 4 कार्बन 4 - 4 0, 2 का पावर 0 मतलब value 1 और +1 2। तो C4 के आइसोमर कितने थे स्ट्रक्चरल? 2। तो ये जो फॉर्मूला है लागू हो रहा है। C7 के लिए यही लगा ले, C7H16। मान लो क्वेश्चन आपको पूछता है नंबर ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 और ऑप्शन बेटा मान लो दे देता है, ऑप्शन दे देता है फर्स्ट में, क्या दे देता है फर्स्ट में 5, सेकेंड 6, थर्ड 7 और फोर्थ 9। तो आपका आंसर क्या होगा? सीधे ये फॉर्मूला लगा, 7 था ना, 7 - 4 कितना बचा? 3, 2 का पावर 3 8 और +1 9। ठीक कर दो। अब बना के देखते हैं कि इसके आइसोमर्स 9 बनते हैं या नहीं। ध्यान से देखना क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 एक अरेंजमेंट, फिर 6 कार्बन लेके अरेंजमेंट करो, 1 2 3 4 5 6 5 अभी तक हुआ है, 6 यहां, 1 कार्बन, 6 का और केस 2 मिथाइल हेक्सेन था, 3 मिथाइल हेक्सेन, 6 का और केस पॉसिबल नहीं है। 5 का केस देखो, 5 में 1 2 3 4 5 2 कार्बन आपके हाथ में है, 1 2 एक अरेंजमेंट, क्या साथ था मेन चेन में, अगर 5 ले रहे हो तो जो भी आप कार्बन रखोगे उसको रखने के बाद मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कार्बन की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेटा एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, ये अरेंजमेंट हो गया, फिर 5 ध्यान से देखना, 5 एक ऊपर एक नीचे, 5 5 में और क्या सोच सकते हो? 5 में और सोच सकते हो आप ये। अब क्या 5 में कोई और अरेंजमेंट आपको लग रहा है? लेकिन एक अरेंजमेंट 5 में यह भी हो सकता है, दोनों कार्बन इस तरह से, और 4 में एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, 4 कार्बन लिया, ध्यान से देखना, एक कार्बन यहां दे दिया और दूसरा यहां और यहां, 4 कार्बन में यह अरेंजमेंट, तो कितने हो गए बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बनाते समय अक्सर बच्चा ये छोड़ देता है, और ये छोड़ता है जैसे ही उसको आ जाता है 8, ऑप्शन में 8 भी हो सकता था, बच्चा 8 ऑप्शन पर टिक कर देता है। देखो फॉर्मूला से कितना आसानी से निकल गया, समय भी नहीं लगा और आंसर मिल गया। तो ये बहुत जरूरी है कि परफेक्ट आंसर तुरंत मिल जाए। अब देखो बेटा ध्यान से और बात,
और बातें, ध्यान से देखना, और बातें ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमारा पोजिशनलाइज्ड नंबरिंग। मैंने अभी ये सेक्शन मिटाया नहीं है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है मैं बताऊंगा आप लोग। पहले मैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस करता हूं, फिर बताता हूं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या, इसका नेसेसरी कंडीशन है, एनसी क्या है इसका, नेसेसरी कंडीशन इसका क्या है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसका नेसेसरी कंडीशन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ मेन चेन, ऑफ मेन चेन मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, बट द पोजिशन ऑफ, बट द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से यहां मतलब क्या है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, चाहे सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऊपर में ये देखो, प्रोपेन वन ओल और ये प्रोपेन टू ओल, ध्यान से देखना, प्रोपेन वन ओल, प्रोपेन टू ओल, क्या इसमें है रिलेशन पीआई का, इसमें रिलेशन है पीआई का, पोजिशनल आइसोमर। फिर देखो बेटा, ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन, क्या रिलेशन है पीआई का, पोजिशनल आइसोमर का, पोजिशनल आइसोमर का इसमें रिलेशन है। मिटाता हूं, ये एग्जांपल वन था, ये एग्जाम्पल टू था, अब बेटे और एग्जाम्पल मैं दूंगा, इसे नोट कर लो, इसे मैंने नहीं मिटाया, इसमें मैं कुछ और डिस्कशन करना है इसलिए नहीं मिटाया है, ध्यान देना। पोजिशनल आइसोमर में शर्त है कि मेन चेन में कार्बन सेम होना चाहिए, और चेन आइसोमेरिज में शर्त था कि मेन चेन में कार्बन डिफरेंट होना चाहिए। बेटा ध्यान से देखना, कुछ और एग्जाम्पल पोजिशनल आइसोमेरिज्म का, ये देखो इसे क्या कहते हैं, CH3CH3, ये ऑर्थोजाइलीन है, इसे कहते हैं ऑर्थोजाइलीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने डिस्कस किया था बेटे, इसे कहते हैं मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन, और बेटे इसे कहते हैं CH3CH3 पाराजाइलिन। इन तीनों में रिलेशन है पीआई का, मतलब पोजिशनल आइसोमर, बड़ी अच्छी बात, क्लियर है। अब इसे मिटा रहा हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं, फिर नीचे आता हूं जो लिखा हुआ है।
ध्यान देना, ध्यान देना बेटे, ये देखो, ये यहां पर CN, यहां पर CN, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये OH और ये OH लिख के कहा था कि इसमें रिलेशन क्या है, PI का है, पोजिशनल आइसोमर, प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। आप कहोगे वन साइन ऑफ प्रोपेन, टू साइन ऑफ प्रोपेन, और PI कह दोगे, नहीं ये PI नहीं है। जब फंक्शन ग्रुप में कार्बन हो तो ये मेन चेन में काउंट होता है, और इसके मेन चेन में कार्बन चार है, और इसमें वन यहां से शुरू होगा, टू थ्री, और इसके मेन चेन में कार्बन कितना है बेटा, तीन है, और ये CH3 है, मतलब ये ब्यूटेन नाइट्राइल कहलाएगा IUPAC नेम, और इसका IUPAC नेम होगा 2-methyl propane nitrile, प्रोपेन नाइट्राइल। ध्यान देना बेटे, अब इन दोनों में PI का रिलेशन नहीं है, ये CI है, चेन आइसोमर। जी हां, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन आ जाए और एक फ्री वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है पोजिशनल का, लेकिन वो होगा चेन। ये एल्डिहाइड होता तब भी चेन होता, ये एसिड होता तब भी चेन आइसोमर होता। समझ आ गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाया आप लोग। अब मैं मिटाता हूं, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था इसमें था हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, और आंसर था 5। ये चेन आइसोमेरिज्म के डिस्कशन में मैंने ये को करते हुए सेकंड के बाद थर्ड वाले में ये मैंने बताया था, थर्ड वाले में ये मैंने बताया था, याद कर। अब ध्यान से देखना, इसमें दोनों तरह का आइसोमेरिज्म है, चेन भी है और पोजिशनल भी है। देखो ये 7 कार्बन 6 कार्बन चेन आइसोमर, ये 7 कार्बन 6 कार्बन चेन आइसोमर, ये 7 और 4 चेन, 7 और 4 चेन, लेकिन ये 5 और 5 पोजिशन डिफरेंट है, मेन चेन में कार्बन सेम है, ये चेन आइसोमर। ये 4 और 4 सॉरी ये पोजिशनल आइसोमर है, 2-methyl 3-methyl कार्बन 5 है, ये 4 और 4 मेन चेन में कार्बन की संख्या 4, यह भी पोजिशनल है। तो ध्यान से देखो, first and third, first and fourth, second and fourth, second and fourth, third and fifth। ध्यान से देखो, ये सारे चेन आइसोमर्स के सेट्स है, सेट्स ऑफ चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर के 8 सेट है, और जरा इसे देखो, ये और ये पोजिशनल है, सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद क्या है बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दो सेट, टू सेट्स ऑफ पोजिशनल आइसोमर। जी हां, टू सेट्स ऑफ पोजिशनल आइसोमर। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ ब्रैकेट में 2 मेंबर्स ऑफ चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपका आंसर होगा
एट, वही पोजिशनल के लिए पूछता है तो आपका आंसर होगा टू। जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेन आइसोमेरिज्म भी है और पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेन एंड पोजिशनल बोथ आइसोमर्स आर पॉसिबल, बोथ आइसोमर्स आर पॉसिबल। इससे दोनों तरह का आइसो